आज हम हीटर को ओपन करेंगे, इसके आपको बताएंगे हीटर के बारे में कि इसका हीटर यूनिट, फ्यूज़र यूनिट, फ्यूजिंग असेंबली क्या काम करती है और इसको कैसे रिमूव किया जाता है और किस तरह सही किया जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ें रिप्लेस होती हैं। तो यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमने एक प्रिंटर चूज़ किया हुआ है जो कि है HP का 2035। सब प्रिंटरों का प्रिंट प्रोसेस, कॉपी प्रोसेसिंग, प्रिंट प्रोसेसिंग एक जैसी ही होती है तकरीबन। प्रिंटर्स के डिज़ाइन में मुख्तलिफ हो सकते हैं, डिज़ाइन मुख्तलिफ शेप के हो सकते हैं, शक्ल के हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग सिस्टम एक जैसा ही होता है लेज़र प्रिंटर्स का। यहाँ से गियर्स रिमूव करेंगे। जब भी आप गियर्स कहीं से रिमूव करेंगे तो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि मैं कौन सा गियर कहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। और ज़्यादातर गियर्स अपनी ही जगह पर दोबारा इंस्टॉल होते हैं, कहीं और वो कहीं पर भी वो फिट नहीं होते दोबारा। लेकिन आपने फिर भी याद रखना है कि कौन से गियर में कहाँ से उतार रहा हूँ। ये तीन गियर हैं जो हम रिमूव करेंगे हीटर को निकालने के लिए। इस कवर को आपने लगा लेना है ताकि फॉर्मेटर बोर्ड आपका ख़राब ना हो, ठीक है। हमने इसीलिए लगाया हुआ था जैसे कि फॉर्मेटर बोर्ड हमारा ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए। फार्मूला बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ ओपन करेंगे तो जो चीज़ आपकी सबसे पहले ओपन हो रही है वो सबसे एंड में बंद होगी, सबसे एंड में जो ओपन हो रही है वो सबसे पहले क्लोज होगी। हमने हीटर की पहले जैक्स वगैरह निकाल लिए थे, अब ये हीटर असेंबली इसकी बाहर आ गई है, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो फॉल्ट आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हीटर में, हीटर की वजह से जो प्रिंटर के अंदर प्रॉब्लम आती हैं वो आती हैं ज़्यादातर आपके प्रिंट जो है ना वो आपका बिल्कुल कच्चा सा आएगा, यानी कि वो फिक्स नहीं हुआ होगा। आप उसके ऊपर हाथ लगाएंगे तो वो प्रिंट वहाँ से मिसिंग कर जाएगा, मिस हो जाएगा। हीटर यूनिट में जो ज़्यादातर चीज़ें यूज़ होती हैं वो हीटर सेक्शन में हीटर असेंबली है, जिसको हीटर स्लीव कहते हैं, और एक प्रेशर रोलर होता है जो कि इसको प्रेस करता है। प्रेस रोलर भी कहलाता है, प्रेशर रोलर भी कहलाता है, वो लो रोलर भी कहलाता है। ये तीनों नाम है उसके। और मैं अब आपको बताता हूँ कि हीटर स्लीव इसमें कौन सी है। ये हीटर स्लीव है। ये जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी कच्चा प्रिंट की, या मतलब प्रिंट आप निकाला और उसके बाद आप जब उस पर हाथ वगैरह लगाते हैं तो वो मिसिंग हो जाता है वहाँ से। और फिर उसके बाद कई दफ़ा प्रॉब्लम आती है कि आपके हीटर असेंबली में पेपर जो है ना जैमिंग आ जाती है। पेपर जैमिंग जो है वो भी इसी की वजह से आती है कि अगर ये फट जाती है किसी वजह से, ख़राब हो जाती है, और उस वजह से ये पेपर जैमिंग भी आ सकती है। इसके अलावा प्रिंट में एक आप देखते होंगे क्रिंकल टाइप आता है, तो क्रिंकल भी इसी ही की वजह से आते हैं ज़्यादातर, और जैमिंग वगैरह भी इसकी वजह से आ सकती है। इसके बाद इसके नीचे है प्रेशर रोलर। प्रेशर रोलर जब भी फटेगा, ये आप ऑरेंज, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो नीचे ऑरेंज कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये इसका प्रेशर रोलर है। लो रोलर भी कहते हैं, प्रेशर रोलर भी कहते हैं, प्रेस रोलर भी कहते हैं ये। ये अगर ख़राब होगा तो आपके बैक साइड पर प्रिंट डबलिंग भी आ सकती है। इसके अलावा प्रिंट में आपको इस तरह की एक लाइन सी नज़र आएगी जो विजिबल, मतलब है आप उसे इजीली देख सकते हैं, और क्रिंकल सा आपको नज़र आएगा, ठीक है। अगर ये ख़राब होता है तो आप इसके इसको भी रिप्लेस करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसके हीटर में फ्यूज़र लैम्प है, और फ्यूज़र लैम्प जो है वो हमेशा जो है अपर रोलर, यानी कि जिसको हम हीटर स्लीव कह रहे हैं, उसके अंदर लगा हुआ होता है। वो भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। हीटर और फ्यूज़र असेंबली का काम यह है कि वहाँ से पेपर पास होता है। पेपर पर जब प्रिंट आपके प्रोसेसिंग यूनिट से, यानी कि इसके जो ड्रम यूनिट है और डेवलपर टैंक है, टोनर टैंक है, उसमें से जब प्रिंट फ्यूजिंग यूनिट के अंदर आता है तो वो यहाँ से इस तरह मूव करके आगे की तरफ जाता है, और यहाँ पर हीट की वजह से ये उसके ऊपर, पेपर के ऊपर फिक्स हो जाता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ फिक्सिंग में आपके प्रॉब्लम आएगी, पेपर जैमिंग आएगी, कच्चा प्रिंट आएगा, आप उस प्रिंट को ईजिली वो रिमूव हो जाएगा आपका हाथ लगने से, या आपका पेपर में क्रिंकल भी आ सकता है। ये तीन चार फॉल्ट आ सकते हैं, ठीक है जी। ये इसका काम है हीटर सेक्शन का। और मैं अब आपको इसको बताता हूँ कि इसके इसको कैसे ओपन किया जाता है। ये इसका टाइमिंग गियर है। टाइमिंग गियर आप देख लीजिए, ये इसको टाइम करता है। एक जो रोटेशन है, रोटेशन लेने के बाद ये अपनी होम पोजिशन पर आके इसको बताता है कि मेरा जो है वो इस वक्त रेडी है आपके एग्जिट में आने के लिए पेपर, और फिर वो इसको आगे की तरफ फ़ौरन से उसकी प्रेशर को बढ़ा देता है। या इसको पेपर को रिलीज़ करने के लिए भी ये काम आता है कि अगर पेपर जैमिंग हो गया तो यहाँ से आप रिलीज़ करके इजीली निकाल सकते हैं। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ सारा सेक्शन, ताकि आपको डीपली जो है ना बात समझ में आ जाए और आप इसको देख भी लें साथ साथ। काम करने में आसानी तभी होगी जब आपके पास टूल कंप्लीट होंगे। हीटर सेक्शन को आप ओपन कर लीजिए।
एक्स्ट्रा फोर्स आपने कहीं भी यूज़ नहीं करनी, उससे आपके फ्यूज़र में या आपकी बॉडी इसके प्रिंटर की बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, स्क्रू लूज़ हो सकते हैं। अभी हमने इसको कवर को ओपन कर लिया है। अच्छा, ये एक पतरी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक साइड पर इसके कवर है जिसको हम, इस कवर में सम टाइम जो है ना टोनर काफ़ी जमा हुआ होता है, यहाँ पर टोनर जो हम लो क्वालिटी का टोनर यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पर टोनर जमा हुआ होता है, टोनर की गिल्टियाँ सी बन जाती हैं, यहाँ पर बिल्कुल स्टक हो जाता है टोनर, जिसकी वजह से पेपर जैमिंग भी इस वजह से भी आ सकती है। स्प्रिंग ये इसकी एक्सटेंशन के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि इसको एक्सटेंड करने के लिए या इसकी पावर को बढ़ाने के लिए स्प्रिंग यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, कि फ्यूज़र जो असेंबली है, जो अपर रोलर और लोअर रोलर है, इसके दरमियान में जो गैप है उसको कंप्लीट, मतलब उसे उसको कंप्लीट जो है ना फिल किया जाए। नीचे जो प्रेशर रोलर लगा हुआ है वो हमेशा प्लास्टिक का होता है, यानी कि उसमें जो है वो फोम टाइप होता है वो, ताकि उसको प्रेशर को बाकायदा बनाया जा सके। ठीक है, ये इसकी फ्यूज़र वो अपर असेंबली है जिसमें हीटर स्लीव लगी हुई है। अच्छा, इसे हीटर स्लीव में अगर आपके सिलिकॉन जो कि हम अपना ग्रीस कह लें, आप हीट ग्रीस जो होती है लुब्रिकेंट होता है, वो अगर ख़त्म हो जाए तो तब भी इसमें जैमिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, ये फट सकती है, ये फटती भी ज़्यादातर उसी वजह से है। ये इसका प्रेशर रोलर है, ये देख लीजिए आप, ये प्लास्टिक फॉर्म में है, मतलब इसमें फोम टाइप है ये। ये देख लीजिए, ये इसमें बुश है, इसको हिलाकर देखेंगे तो अगर इसमें बुश में प्ले है तो प्ले की वजह से भी इसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं, ये जो है ख़राब हो सकता है। अच्छा, ये प्रेशर रोलर भी इसके कंज्यूमर में आता है, ये भी चेंज किया जाता है जब ये ख़राब हो जाए, तो इसके बुशेज़ को भी चेंज किया जाता है, अगर उसमें प्ले हो तो आप चेंज कर दें, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी प्रिंटर की। इसके अलावा हीटर स्लीव है, हीटर स्लीव भी इसके कंज्यूमेबल में आती है, ये भी आपने रिप्लेस करनी होती है, इसको भी आप चेंज करें। इसको चेंज करने के लिए ये आप एक लॉक इसका ओपन करें, ओपन करने के बाद ये इजीली आराम से निकल आएगी। ये देख लीजिए, ये इसका हीटर लैंप है, टेम्परेचर मेंटेन करता है ये, यहीं से अगर ये टूट जाए तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी, एरर देगी मशीन आपकी, प्रिंटर जो है वो एरर देगा। और इसमें इसको साफ़ कर लीजिए, आप किसी भी चीज़ से साफ़ कर सकते हैं, थिनर से साफ़ कर लें, ये लॉक आपने इस तरीके से इंस्टॉल कर लेना है इसको। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जब भी ये बुश आप बिठाएंगे, लॉक बिठाएंगे, तो इसकी नीचे वाली साइड पर, लोअर साइड पर ये देखें लॉक्स हैं, ये नीचे ही साइड पर लगेंगे तो आपको ये फिक्स हो पाएगी आपकी असेंबली में। अब हम इस हीटर को दोबारा बंद कर रहे हैं, मैंने आपको जो रिमूव करने वाली चीज़ें थी वो बता दी, जो इसमें न्यू इंस्टॉल होती हैं कंज्यूमेबल हैं उसके बारे में बता दिया। इसके साथ आप देख रहे हैं कुछ रोलर लगे हुए हैं, चार रोलर्स लगे हुए हैं, ये चार रोलर लगे हुए हैं, इन रोलर्स का काम ये होता है कि पेपर को आगे की तरफ पुश करते हैं। ठीक है, इनको भी अगर आप साफ़ कर लें किसी चीज़ से, थिनर से साफ़ कर सकते हैं आप इनको, और अच्छे तरीके से, ये एक सेंसर है, इसको भी अगर आप साफ़ कर लें तो अच्छा परफॉर्म करेगा प्रिंटर, क्योंकि इसमें भी डस्ट वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो इसमें इसकी वजह से भी जैमिंग आ सकती है। जब भी पेपर आपका हीटर के बाद रुकेगा तो इट्स मीन के इस सेंसर की प्रॉब्लम है, ये उसको एग्जिट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में हीटर के बारे में बताया, इसकी हीटर असेंबली फ्यूज़र असेंबली के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। copy.pk से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।